आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय स्पीकर महोदया, उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, मैं सबसे पहले सम्मान प्राप्त करने वाले इन पांचों महानुभावों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। देश टीवी पर यह दृश्य देखता होगा और बहुत आश्चर्य अनुभव करता होगा कि आज वही सांसद है जो दिन में दिखाई देते हैं। और उपराष्ट्रपति जी और स्पीकर महोदय भी शायद आज सबसे ज़्यादा प्रसन्न होंगे ये दृश्य देख करके कि शांत विद्यार्थी हम आशा करते हैं कि ऐसा दृश्य दोनों सदनों में भी उसके दर्शन करने का अवसर मिले और हमें हमारे सांसद जो धरती से उठ करके आए हैं, जन सामान्य के सुख दुख के साथ जुड़े हुए हैं, उनको बात करने का अवसर मिले, सरकार को उनकी बातों को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर होना पड़े, दूर सुदूर गांव की, जंगल की, गरीब की आवाज इन सांसदों के माध्यम से सरकार तक ऐसे पहुंचे कि सरकार को भी उन भावनाओं को समाहित करके आगे बढ़ने के लिए मजबूर करें। लेकिन दुर्भाग्य से सांसद की वो अवसर, वो सामर्थ्य, वो अपने क्षेत्र में कितनी ही तपस्या करके आया होगा, वक्तृत्व हो या ना हो, वो कर्तृत्व का धनी है, लेकिन शोर बकोर हो हल्ला सरकार का उससे कम से कम नुकसान होता है, देश का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। और उन जनप्रतिनिधि का नुकसान होता है कि जो इतनी मेहनत करके धरती से निकल करके लोगों से जिंदगी गुजार करके आया है, जो उनके दुख दर्द बताना चाहता है, वो बता नहीं पा रहा है। और इसलिए अगर नुकसान किसी का होता है तो जिस क्षेत्र से वो आता है उस क्षेत्र के सामान्य मानवीय का होता है, नुकसान होता है उस सांसद का होता है। और दिन भर हो हल्ला टीवी पर उसकी आयुष 2 मिनट 5 मिनट 15 मिनट या एक दिन भर रहती है, पर्दा गिर जाता है, खेल खत्म हो जाता है, लेकिन जिसको बात करने का मौका मिलता है, सरकार की कठोर से कठोर आलोचना करने के लिए तर्क भी हो, तीखे वचन भी हो, उसके बावजूद भी वो हर शब्द इतिहास का हिस्सा बनता है, चिरंजीव बन जाता है। हम सबका दायित्व है कि हमारे हर सांसद साथी का शब्द चिरंजीव बने। हम सबका दायित्व है कि हमारे शब्द सांसद के दिल से निकली हुई वो गांव, गरीब, किसान की बात सरकार को कुछ करने के लिए मजबूर करें। ये स्थिति सदन में हम सब पैदा कर सकते हैं और जितना अच्छे ढंग से पैदा करेंगे, देश को आगे ले जाने में उसकी ताकत और बढ़ेगी। मेरा अनुभव है
कोई सांसद की बात ऐसी नहीं होती है जिसका महात्म्य न हो, जिसका मूल्य न हो। मीडिया के दबाव में तत्कालीन कोई स्वीकार करे न स्वीकार करे अलग बात है, राजनीतिक पॉइंट गेन करने के लिए कुछ करना पड़े न करना पड़े वो एक अलग चीज स्थिति है, लेकिन ये गहरी छाप छोड़ करके जाता है जो नीति निर्धारकों के लिए कभी न कभी सोचने के लिए मजबूर करता है। और इसलिए सांसद बनकर के आना ये सामान्य बात नहीं है जी, 125 करोड़ देशवासियों के सपने लेकर के आते हैं, अपने क्षेत्र के संकल्प लेकर के आते हैं, उज्जवल भविष्य का वादा कर करके आते हैं, और उस काम को निभाने में जिस जिस को अवसर मिला है उनमें से कुछ बंधुओं को आज हमें सम्मानित करने का अवसर मिला है, और अपने साथ बैठने उठने वाले साथियों का सम्मान होता हो तब हमारा भी तो सीना चौड़ा हो जाता है, हमें भी गर्व होता है कि हम ऐसे ऐसे वरिष्ठ साथियों के साथ इस कालखंड में हम भी एक साथी कार्यकर्ता थे, हम भी एक साथी सांसद थे, ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। मैं हृदय से आप सबको फिर से बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।